दिल्ली में चिकनगुनिया और डेंगू ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आलम यह है कि 10 दिनों के भीतर चिकनगुनिया से मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली से बाहर होने पर सवाल उठ रहे हैं। अब तक डॉक्टर दावा करते आए हैं कि चिकनगुनिया से मौत का खतरा नहीं है, लेकिन राजधानी दिल्ली में ही 4 मामले सामने आए हैं जिनमें चिकनगुनिया से मौत हो गई है। 3 मरीज दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती थे। चिकनगुनिया से मरने वालों में 65 वर्षीय आर पांडे, 61 वर्षीय उदय शंकर प्रसाद और 62 वर्षीय अशोक चौहान का नाम शामिल है। वहीं बाड़ा हिंदूराव अस्पताल में भी एक मरीज की मौत हो गई है। एम्स अस्पताल में भी चिकनगुनिया से एक की मौत की खबर आ रही है, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। आपको बता दें कि राजधानी में चिकनगुनिया के मामले इस मौसम में तेजी से बढ़कर 1000 से पार पहुंच चुके हैं। पिछले एक सप्ताह में चिकनगुनिया के मामले में करीब 90% की वृद्धि दर्ज की गई है। नगर निगम की रिपोर्ट के मुताबिक 10 सितंबर तक इस मच्छर जनित बीमारी से कम 1057 मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि शहर के अस्पताल इससे कहीं बड़ी संख्या होने की बात कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि चिकनगुनिया के क्या लक्षण हैं और कैसे पता चलता है। चिकनगुनिया के लक्षण की बात करें तो इसमें तेज बुखार, सर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में भयंकर दर्द होता है, उल्टी, जी मचलाना, दस्त, ये सभी लक्षण चिकनगुनिया के हैं। साथ ही इसमें त्वचा पर लाल रंग के दाने निकल आते हैं। वहीं चिकनगुनिया से बचाव की बात करें तो घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। घर में बर्तनों आदि में पानी भरकर रखना है तो ढक कर रखें, जरूरत ना हो तो बर्तन खाली करके या उसको उल्टा करके रखें। कूलर, गमले आदि का पानी रोज बदलते रहे और रात में सोते वक्त ऐसे कपड़े पहने जो शरीर के ज्यादातर हिस्सों को ढक कर रखें। मच्छरोधी क्रीम, स्प्रे, इलेक्ट्रॉनिक बैट आदि का प्रयोग मच्छरों से बचाव के लिए करें। देश की राजधानी में डेंगू और चिकनगुनिया का कहर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जरूरत है कि आप खुद को बचा कर रखें, अपने शरीर को ढक कर रखें और इन बीमारियों से बचने के लिए पूरा एहतियात बरतें। देखते रहिए टीवी लाइव।